ये त्रिनेत्र गणेश जी को सबसे पहले मैं नमन करना चाहूंगी और उनसे आज प्रार्थना ये करना चाहूंगी कि राजस्थान की जनता के ऊपर उनकी भरपूर कृपा बनी रहे। आज हमारे मार्गदर्शन करने यहाँ आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी हम सबके बीच में हैं और आप सबकी ओर से मैं उनका दिल से स्वागत करना चाहूंगी। जोर से ताली बजाओगे तो मजा आएगा, फिर हमको भी मजा आएगा कुछ बोलने में, ऐसे क्या करते हो। इनके कुशल नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी निरंतर बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है जो आप सबके सामने है। आज वही भाजपा जिसने माननीय मोदी जी जैसे एक विजनरी और लोकप्रिय प्रधानमंत्री हमारे देश को दिया है। आज याद आ रहा है मुझे 26 अप्रैल 2003 का, जब हमने राजसमंद से चारभुजा मंदिर से परिवर्तन यात्रा पिछले बार चालू की थी। कल भी मैं उनके दर्शन करके उनके आशीर्वाद को लेकर मैं आपके बीच में यहां आ रही हूं, क्योंकि राजस्थान की जनता से विशेष लगाव और यहां की महिलाओं का अपार स्नेह और समर्थन जो हमें मिला है वो हम कभी भी भूल नहीं पाएंगे। इसी का नतीजा है कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जोरदार बहुमत से 120 सीट मिले और उसके बाद यहां दर्शन करके, गणेश जी पे दर्शन करके आशीर्वाद हम लोगों ने लेकर जब 2003 से लेकर 2023 के सफर करे हैं और आपके क्षेत्र के अंदर करे हैं, कभी ऐसा नहीं लगा कि हम पराए के बीच में हैं, क्योंकि आप लोगों ने जो प्यार दिया, जो साथ दिया, जो आशीर्वाद दिया वो हम लोगों को एक पवित्र बंधन, एक पारिवारिक बंधन में बांधने का काम करता है और मैं उसके लिए आप सबको बहुत बहुत अपनी ओर से आभार प्रकट करना चाहती हूँ। आज हमारे बीच में नड्डा जी हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहती हूँ, पर मैं उस बात के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी जिस बात के ऊपर आप लोग सबका मन लगा हुआ है। याद रखना 2008-13 के अंदर राजस्थान के अंदर ये सरकार आई अशोक गहलोत की, तो उसके बाद हमारा विकास सब ठप हुआ। उसके बाद आपने हमको 163 सीट दी, हमारी सरकार ने एक नए आयाम छुए, वो आप लोगों की वजह से, जिसके अंदर हम लोगों ने मिलकर हमारे प्रदेश की तकदीर को बदलने का काम किया, चाहे वो रोड्स में हो, चाहे बिजली में हो, चाहे वो पानी में हो, चाहे वो शिक्षा में हो और चाहे वो चिकित्सा के अंदर क्यों ना हो। पर सबसे बड़ी बात, जब इस क्षेत्र के अंदर दौरा करती थी तो आपकी एक बहुत बड़ी जरूरत उसमें से मेरे पास निकल के आई। इस क्षेत्र के अंदर पानी के ऊपर और सिंचाई के ऊपर बड़े विवाद चलते थे, कभी पाचना में विवाद हो रहा है तो कभी जारगा में विवाद हो रहा था। इस समस्या के समाधान के लिए हम लोगों ने सबने बैठ करके सोचा कि हम क्या काम कर सकते हैं जिसकी वजह से इस क्षेत्र को हम लोग सिंचाई का पानी, पीने का पानी देने का काम हम करें और लोग उसके अंदर जुड़कर अपने तकदीर को अपने हाथ से फिर बना सके। इसलिए उस समस्या का समाधान करने के लिए हम लोगों ने एक कल्पना की कि आगे चल के ईस्टर्न राजस्थान कनाल प्रोजेक्ट का काम हम लोग मिलकर करेंगे, जिसका फायदा इस क्षेत्र के अंदर हमारे लोगों को मिलेगा। यहां इसके बारे में थोड़ा सा आपको कहना चाहूंगी कि हमारे शासन के प्रथम कार्यकाल के अंदर 25 अगस्त 2005 के अंदर हम लोगों ने मध्य प्रदेश के साथ बाबूलाल जी गौड़, जो वह तब मुख्यमंत्री थे, उनके साथ हम लोगों ने हस्ताक्षर करके एक समझौता किया कि हमारे बीच की जो नदियां हैं उसका बंटवारा हो और उसके अनुसार ही हमने ये ERCP की योजना बनाने का काम किया। दुर्भाग्य से इसके तुरंत बाद अशोक गहलोत की सरकार आ गई और ये महत्वपूर्ण जो योजना थी उसको ठंडे बस्ते में डालने का काम उन्होंने कर दिया। आप सबको मालूम है कि 13 जिलों के अंदर पीने का पानी, सिंचाई का पानी और उद्योग का पानी मिलना था। इसमें आपका जिला सवाई माधोपुर हो, कोटा, बारा, झालावाड़, बूंदी, टोंक, अजमेर, ऐसे ऐसे करके 13 जिले थे। अजमेर से लेके जयपुर तक हम लोगों का इसका फायदा मिलने वाला था। 2 लाख हेक्टेयर सिंचाई का
हमको मिलता और उद्योगों को पानी भी मिलता और साथ में 26 बांधों के अंदर पानी आ जाता और 80,000 हेक्टेयर सिंचित को हम लोग पुनर्स्थापित करने का काम कर सकते थे। ईआरसीपी की परिकल्पना, और मैं इसको बड़ी केयरफुली आपके सामने रखना चाहती हूं क्योंकि इधर उधर तोड़फोड़ नहीं होना चाहिए, जमीन पर उतारने के लिए हमारी सरकार ने एक मंत्रिमंडल की बैठक करके इसमें इसकी स्वीकृति दिलवाई। भारत सरकार की एक नामी कंपनी जिसका नाम है वैपकॉस, वो मध्य प्रदेश राजस्थान इंटरस्टेट बोर्ड की बैठक 2005 के अंदर जो निर्णय लिया गया था और जो केंद्रीय जल आयोग की गाइडलाइन 2010 की मापदंड के अनुसार ईआरसीपी की डीपीआर तैयार करने के हम लोगों ने आदेश दिलवा दिए थे। इस परियोजना के अंदर 50% निर्भरता पर 3921 एमसीएम पानी आप लोगों को लगभग 37,000 करोड़ की खर्चा पे मिलने जा रहा था। वो उस समय के खर्चे की बात कर रही हूं मैं, उसके बाद उस खर्चे को तो मुझे मालूम है थोड़ा बढ़ गया होगा। बजट वर्ष 2017-18 और 18-19 के अंदर हम लोगों ने इसकी घोषणा भी कर दी थी। उस समय नवनेरा बराज और ईसरदा बांध, ये थोड़े अलग थे, परंतु नवनेरा बराज और ईसरदा बांध का हम लोगों ने काम चालू कर दिया था। अब नवनेरा बराज का काम लगभग पूरा होने जा रहा है और इस ईसरदा का जो बांध है वो अभी भी निर्माणाधीन है। मैं मानती हूं कि उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान और दिया जाता तो जिस तरीके से नौनेरा बराज अब संपूर्ण होने जा रहा है उसी तरीके से इस ईसरदा पानी को, ईसरदा के बांध को कंप्लीट हो जाना चाहिए था ताकि इस पूरे इलाके के पानी में कोई अवरोध नहीं आता। इस परियोजना के अंदर हम करीबन 1536 करोड़ रुपए ऑलरेडी इसमें खर्च हो चुके हैं। फिर वर्तमान कांग्रेस सरकार के पिछले 4 साल के अंदर ईआरसीपी के अंदर कोई भी गंभीर प्रयास नहीं किया। इसके कारण जो परियोजना की लाभ इन 13 जिलों के अंदर मिलना चाहिए था वो हम लोगों को नहीं मिला। इस परियोजना को जानबूझकर अब विवादित बनाने का काम किया है, जबकि मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच जल बंटवारे को लेकर समझौता पहले ही हो चुका था। मध्य प्रदेश ने तो इस समझौते के आधार पर 2017 के अंदर 2 बांध मोहनपुरा और कुंडालिया बना लिए, जिससे 2,25,000 हेक्टेयर सिंचाई और पेयजल उपलब्ध हो रहा है। इनका अगला तीसरा बांध भी अभी बहुत ही जल्दी काम हो जाएगा, उसका भी काम चल रहा है पाटनपुरा के अंदर, वो भी निर्माणाधीन है, वो हो जाएगा बहुत जल्दी। गहलोत साहब तब भी सो रहे थे और अब भी सो रहे हैं। मैं आप सबको इतना ही विश्वास दिलाना चाहती हूं कि हम सब यहां बैठे हुए हैं कि राजस्थान के हिस्से का जो बूंद बूंद पानी है हम उसे कम नहीं होने देंगे और इसके लिए हम सबको खून पसीना बहाने की जरूरत होगी तो हम लोग सब मिलकर उसमें अपना खून पसीना देके इस कार्य को पूरा करने का काम करेंगे। सरकारें आती हैं और जाती हैं, परंतु जनता का जो हित है वो हमेशा हमारे सबके लिए सर्वोपरि है। पर इनको जो है ना, इनको जनता का हित नहीं, वो कभी नहीं हुआ, अपने हित के मतलब रखते हैं ये लोग, उनको जनता के हित से कोई मतलब नहीं है, खुद के हितों से ही मतलब रखते हैं। और आखिर में इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहती हूं, हम सब इतना ही कहेंगे कि राजस्थान के हितों के ऊपर कुठाराघात नहीं होगा, हम लोगों को एक साथ मिलकर एक ही आवाज के अंदर आगे बढ़ के चलना पड़ेगा, हमें कमल को खिलाना होगा और भारतीय जनता पार्टी को लाना होगा। इसी विश्वास के साथ मैं आप सब लोगों को बहुत सारा प्यार और बहुत सारा धन्यवाद देना चाहती हूं। एक जोरदार नारा मेरे साथ, जय जय राजस्थान, जोर से बोलो भाई, ऐसे नहीं चलेगा, जय जय राजस्थान। सबको मेरा बहुत सारा धन्यवाद।